दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में एक तरफा जीत और अब उसी परफॉर्मेंस को एमसीडी चुनाव में दोहराने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि देश में कोई नेता नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सके। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के रूप में तुरूप का वो इक्का है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। 2014 में राष्ट्रीय पटल पर छाने के बाद मोदी अजय बने हुए हैं। अकेले मोदी ही पूरे विपक्ष को हराने के लिए काफी नजर आ रहे हैं। अब अगर आज की डेट में लोकसभा चुनाव होते हैं तो कोई शक नहीं कि जीत बीजेपी की ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। भ्रष्टाचार और काले धन पर मोदी द्वारा उठाए गए कदमों ने उनकी विश्वसनीयता बढ़ाई है, तो वहीं मेक इन इंडिया के जरिए देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के उनके प्रयासों ने उद्योग जगत को भी प्रसन्न किया है। मोदी सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है, तो सामाजिक लक्ष्यों को भी साध रही है। सरकार किसानों का ध्यान रख रही है, तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। इसलिए देश में ऐसा माहौल बन गया है कि चुनाव आज हो या कल, मोदी को हराना किसी के लिए संभव नहीं लग रहा।